high subject maths. Exercise 2.1.2 question number D. A B C हमने आगे कर लिया है, अब हम आए question number D. To write the following numbers to the Indian number system. इसमें दिया है number वो है international system और हमें इसको लिखने का है इंडियन नंबर सिस्टम में. तो सबसे पहला नंबर है 9,605,440. इसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखने का है तो हम लिखेंगे 96,05,440. ऐसे ही दो नंबर है तो इसमें 375,908,464. अभी हम इंडियन में लिखेंगे तो 37,59,8,464. अब नंबर आए थर्ड तो 25,409,508. तो हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 2,55,09,508. अब क्वेश्चन नंबर आए ई. राइट द नंबर्स नेम्स टू द इंडियन नंबर सिस्टम. ये नंबर दिए है उसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखने का है. तो नंबर है 4,6,1,6,2,3,1. ये नंबर को हमें इंडियन नंबर सिस्टम में बताने का है लिख के. तो पहले मैंने कोमा करके दिखाया है फिर हम उसको वर्ड में लिखेंगे. तो 46,16,231 ये मैंने लिख के भी दिखाया है और फिगर में भी दिखाया है. अभी नंबर 2 9,54,33,46 इसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिख के दिखाने का है. तो 9,45,43,346. नंबर 3 8,3,4,0,1,8,5,0,8 ए नंबर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिख के दिखाने का है. तो 83,48,18,508 ये मैंने लिख के भी वर्ड में लिख के भी दिखाया है. आगे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नंबर एस इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. जो हमें नंबर दिया है उसको हमें दोनों सिस्टम में लिख के दिखाने का है. इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख के दिखाने का है. तो हम फर्स्ट नंबर है 4,06,5,7,2,7. तो इंडियन सिस्टम में आएगा 48,65,727 और इंटरनेशनल सिस्टम में आएगा 4,65,727. लास्ट नंबर हम आए हैं 2,6,8,7,9,1,2. तो इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 20,87,912 एंड इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे 2,687,912. आज का बस इतना ही. थैंक यू.